नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग हम लोगों के हॉस्पिटल को पेशेंट्स भेज रहे हैं और हम लोग भी अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस प्रभु की कृपा से देने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो ज्ञान की जोत मेरे सीनियर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे में किताबों ने, अपने शास्त्रों ने जगाई है, तो पहले जो है धार्मिकता और साइंस अलग चीज़ थी, पर आज ये अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक ही हो गया है। जो चीज़ शास्त्रों में लिखी थी वही जो है आज साइंस ने प्रूव कर दी है। हर चीज़ मैटर है, जब उसको तोड़ते हैं तो एटम बन जाता है। एटम को जब काटते हैं तो उसके तीन पार्ट्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये साइंस कहती है, पर अपने शास्त्र उसको ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि दोस्तों, अध्यात्म और साइंस एक ही चीज़ है, वो हम अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं। ज़रूरत है सही रास्ते की और सही राय की। इस राय के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से रूबरू हो सकते हैं, मेरे से टाइम लेकर, मुझसे बात करके, टाइम फिक्स करके 15 से 20 मिनट मैं आपसे रूबरू होऊंगा, वो आपकी समस्याओं का हल करूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस से गेन की है कि कैसे सब कॉशियस माइंड में एंट्री करते हैं, वो भी मैं उसके टिप आपको दूंगा आगे अपने रूबरू प्रोग्राम्स में। मित्रों, टाइम निकालें, मुझसे रूबरू हों। शेयर एंड केयर हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था जमाई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टाइम निकालेंगे और इस साइंस और स्पिरिचुअलिटी के मिलन को समझेंगे और जागरूकता से अपना जीवन की नज़रिया बदलेंगे और हर मोमेंट को स्वर्गमयी बनाएंगे। धन्यवाद।